अस्सलाम वालेकुम इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पनिशमेंट सो जब भी हमारे माइंड में पनिशमेंट का वर्ड आता है तो हम ऑटोमेटिकली हमारे जहन में आता है कि किसी जब कोई पर्सन कोई लॉ वॉयलेट करता है या कोई क्राइम कमिट करता है ऑफेंस किया है उसने कोई या फिर आ, कोई किसी का राइट right इन्फ्रिज किया है या वो कोई भी ड्यूटी करने था वो लीगली बाउंड था कि उसने एक ड्यूटी परफॉर्म करनी है लेकिन वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो तब ऑटोमेटिकली सोसाइटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उस पर्सन को जो स्टेट है वो पनिश करे अकॉर्डिंग टू लॉ सो so, uh, अब आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि पनिशमेंट के कौन कौन से टॉपिक जो हैं हम पनिशमेंट से रिलेटेड इसमें कवर कर रहे हैं इसकी आउटलाइन देख लेते हैं कि पहले डेफिनेशन है फिर फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट है कि किस फॉर्म में पनिशमेंट दी जाती है देन हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पिनलाइजेशन फिर हमारे पास आ जाता है पर्पज़ क्या है पनिशमेंट का देन uh, फिर आगे पर्पज़ ऑफ़ पनिशमेंट में हम थेरीज ऑफ़ पनिशमेंट पढ़ेंगे डेटरेंस है इनकैपेसिटेशन है रिहेबिलिटेशन है रेट्रीब्यूशन है रेस्टिट्यूशन है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिटिगेटिंग गेटिंग कौन सी हैं फिर इफेक्टिवनेस क्या है पनिशमेंट की फिर ड्रॉबैक्स क्या है एंड देन कंक्लूजन ये जो भी आउटलाइन है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और जो इसके आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इसकी थोड़ी डिटेल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ कि अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डेफिनेशन क्या है पनिशमेंट की अब जब भी पनिशमेंट का हमारे माइंड में आता है तो जब भी ये वर्ड आता है हमारे माइंड में आता है कि जब भी कोई पर्सन इस पे किसी भी पर्सन पे कोई सेंकशन इम्पोज की जाए इन द फॉर्म ऑफ पेन पेनल्टी और लॉस बाय द स्टेट तो पनिशमेंट को जब हम डिफ़ाइन करने लगते हैं तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे कर सकते हैं कि जब कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है या फिर कोई ऐसा काम करता है जो लॉ उसे मना करता है कि उसने नहीं करना या कोई पर्सन वो लीगली ड्यूटी बाउंड होता है एक काम करने का लेकिन वो नहीं करता अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो तब क्या होता है कि उस पर्सन को अकॉर्डिंग टू लॉ कोई सेंक्शन इम्पोज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पेन पेनल्टी और लॉस सो दिस इज़ पनिशमेंट जब हम डिफाइन करेंगे पनिशमेंट को तो क्या कहेंगे कि सम काइंड ऑफ़ पेन पेनल्टी लॉस विच इज़ इन्फ्लिक्टेड अपॉन अ पर्सन बाई एनी कमीशन ऑफ क्राइम फॉर एनी कमीशन ऑफ एक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी परफॉर्मड अब जब पनिशमेंट जब देते हैं किसी भी पर्सन को तो ये नहीं होता कि सोसाइटी का कोई भी मेम्बर उठ के आके कहे कि इसने मुझे नुकसान पहुँचाया मैं इसे पनिश करूँगा नो जब भी किसी को पनिशमेंट दी जाती है तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट होती है ड्यू प्रोसेस के अंदर जब कोर्ट जजमेंट पास करती है तो फिर जो लॉफुल अथॉरिटीज़ होती हैं स्टेट ने जिनको अथॉरिटी दी होती है तो वो लॉफुल अथॉरिटीज़ पनिशमेंट को इम्पोज करती हैं आगे हम देख लेते हैं कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी पनिशमेंट को कैसे डिफाइन करती है अब ब्लैक ला डिक्शनरी कहती है कि पनिशमेंट एक सेंक्शन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ फाइन पेनल्टी कन्फाइनमेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी राइट और प्रिविलेज असैस्ड अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ वायलेटेड द लॉ सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ़ पनिशमेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फॉर्म्स क्या हैं पनिशमेंट की पनिशमेंट की फॉर्म जब भी पनिशमेंट दी जाती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिज़मेंट होती है फाइंस होती है या कैपिटल पनिशमेंट होती है फ्लॉगिंग होती है फोर्स uh, लेबर होती है डिसमेम्बरमेंट ऑफ बॉडी होती है तो ये जित ये सारी फॉर्म्स हैं पनिशमेंट की जो पनिशमेंट इम्पोज की जाती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पेनलाइजेशन क्या है जाहिर बात है जब पनिशमेंट दी जा रही होती है तो उसका कोई प्रॉपर उसके पीछे मकसद होता है फंक्शन होता है पेनलाइजेशन का तो वो पर्पस क्या है उसका फंक्शन क्या है कि टू हेल्प कम्युनिटी ऑफ मैन टू होल्ड कम्युनिटी टुगेदर टू इन्हांस द मॉरल वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड टू एलिमिनेट क्राइम्स तो सबसे पहले क्या ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि क्राइम जो है उनको एलिमिनेट करना फिर सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़ को इन्हांस करना देन कम्युनिटी जो है उसमें पीस एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करना नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि पर्पस क्या है पनिशमेंट का अब जब पर्पस पनिशमेंट का आता है तो इसमें डिफरेंट थेरीज़ हैं पनिशमेंट की जो डिफाइन करती हैं पर्पस पनिशमेंट का वो थेरीज़ क्या है कि डेटरेंस इनकैपेसिटेशन रिहेबलीटेशन रिफॉर्मेटिव और डेटरीब्यूशन है हमारे पास रेस्टिट्यूशन है सो दीज ऑल आर थेरीज ऑफ पनिशमेंट नेक्स्ट हम इनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन सबसे पहले हमारे पास डेटरेंस आ जाती है अब ये थ्योरी ऑफ डेटरेंस कहती है कि ये बेसिक पर्पस तो हर थ्योरी का ये है कि फ्यूचर क्राइम को प्रिवेंट करना अब डेटरेंस की थ्योरी में वो कहता है कि ऐसी पनिशमेंट दी जाए कि जो पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं उनको रोका जा सके कि वो फर्दर कोई क्राइम कमिट ना करें अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है उसको डिस्करेज करना और लोगों में डर पैदा करना ताकि वो फ्यूचर में कोई भी क्राइम कमिट ना करे बाय द वे ऑफ पनिशमेंट अब पनिशमेंट जो दी जाती है जो भी वॉयलेटर्स होते हैं या ऑफेंडर्स होते हैं उनको जो पनिशमेंट दी जाती है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो इतनी स्वेयर होनी चाहिए ताकि सोसाइटी के हर पर्सन के अंदर एक डर बैठ जाए उन्हें पता हो कि अगर हम ये क्राइम कमिट करेंगे तो हमें ये जो सज़ा है ये हमें भुगतनी पड़ेगी तो ये क्राइम को रोकने का एक बहुत अच्छा तरीका है इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि अगर एक ऑफेंडर जो है उसने जान बूझ के सोचे समझे प्री प्लानिंग के साथ कोई क्राइम कमिट किया है विद इस रैशनल थॉट प्रोसेस तो फिर उसको जो पनिशमेंट है वो हार्श देनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी क्राइम कमिट ना करे और अगर वो कोई क्राइम कमिट करने के बारे में सोचता है तो वो उसके जहन में हो कि मुझे इतनी स्वेयर पनिशमेंट जो है ये भुगतनी पड़ेगी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कि डेटरन थ्योरी जो है इसके इफ़ेक्ट लेने के लिए इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जब भी कोई कोई ऑफेंस कमिट करता है कोई भी पर्सन तो उसको पनिश करने का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में हो और बहुत क्विकली उस बंदे को पनिश किया जाए स्विफ्ट मेथड होना चाहिए ताकि उसको पता हो कि मैं क्राइम कमिट करूँगा तो मुझे फ़ौरन सज़ा मिल जाएगी फिर आगे वो कहता है कि जो पनिशमेंट हो वो सर्टेन हो कि ऑफेंडर जो हैं उन्हें यकीन हो कि जब भी हम कोई ऑफेंस कमिट करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे वो ये ना उनके माइंड में हो कि ऑफेंस कमिट करने के बाद हम पकड़े नहीं जाएंगे और हम पनिशमेंट से बच सकते हैं फिर आगे वो कहते हैं कि स्वेयर पनिशमेंट होनी चाहिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो जो उसको पनिशमेंट दी जाए तो वो इतनी हो कि जो भी उसको प्लेयर हुई है क्राइम कमिट करने के बाद या उसने कोई रिवार्ड लिया उस क्राइम के बाद कमिट करने के बाद तो उससे ज़्यादा स्वेयर जो है वो पनिशमेंट हो ताकि उसके माइंड में हो कि आइंदा मैंने ये क्राइम कमिट नहीं करना नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आगे डेटरेंस का वो कहता है कि स्पेसिफ़िक डेटरेंस भी, हो भी होती है और जनरल डेटरेंस भी होती है टू स्टॉप फ्यूचर क्राइम्स स्पेसिफिक डेटरेंस जो है ये अप्लाइज ओनली टू इंडिविजुअल पर्सन जो होते हैं जो वॉयलेटर्स होते हैं डिफेंडेंट्स होते हैं क्यूज होते हैं कन्विक्ड होते हैं तो ये वो स्पेसिफिक पर्सनस होते हैं लेकिन जो जनरल डेटरेंस है ये पूरी पब्लिक पे अप्लाई होती है इसमें क्या है कि ये नहीं कि पूरी पब्लिक कोई पनिशमेंट किया जा रहा है नहीं अगर एक पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिश करके पूरी पब्लिक को ये लेसन दिया जा रहा होता है कि आपने अगर कोई क्राइम कमिट किया तो आपको ऐसे ही पनिशमेंट भुगतना पड़ेगी अगले हमारे पास आ जाती है पनिशमेंट की थीरी आ जाती है इनकेपेसिटेशन अब इसमें क्या होता है कि फ्यूचर क्राइम को रोकना है बाय रिमूविंग द डिफेंडेंट फ्रॉम द सोसाइटी अब ये थ्योरी जो है कैपेसिटेशन की इसमें एज्यूम किया जाता है कि स्टेट जो है वो प्रोटेक्ट करेगी पब्लिक को फ्रॉम दी फ्यूचर रॉन्गफुल हार्म्स और फ्रॉम दी क्रिमिनल्स के वो फ्यूचर में कोई भी क्राइम कमिट ना करें या बार बार सोसाइटी को या उसके पर्सनस को कोई भी इंजरी ना पहुंचाए सो इस पर्पस के लिए वो कहते हैं कि अगर फ्यूचर क्राइम को जो है उसको रोकना है तो जो पर्सन क्राइम कमिट करता है तो उसको सोसाइटी से रिमूव कर दिया जाए या उसकी लिबर्टी जो है जो वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए ऑफेंडर की जो लिबर्टी है उसको आ, उस ऑफेंडर को डिसेबल कर दिया जाए कि वो आगे फर्दर कोई क्राइम कमिट ना कर सके इन द फॉर्म ऑफ उसकी मूवमेंट आप ख़त्म कर दो या उसकी एबिलिटी टू कमिट रॉन्ग डूइंग वो ख़त्म कर दो या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो किसी भी एक प्लेस में तो ये है कि इनकपेसिटेशन क्या है बाई रिमूविंग डिफेंडेंट फ्राम द सोसाइटी अब इसकी मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म क्या है पनिशमेंट की कि डेथ पेनल्टी है उसमें पर्सन को ही मार दिया जाता है और बाकी इसकी फॉर्म्स क्या हैं वो इंप्रिजमेंट आ जाती है कर्फ्यूज आ जाते हैं हाउस अरेस्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग आ जाती है तो ये इस इनकम्पेसिटेशन की फॉर्म्स हैं नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आ जाती है रिहैबिलिटेशन अब रिहैबिलिटेशन क्या है इस थ्योरी में वो कहते हैं कि कोई भी अगर पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसमें उस पर्सन उस को रिमूव ना करो या उसे कोई स्वेयर पनिशमेंट्स ना दो बल्कि उसका बिहेवियर जो है टुवर्ड्स हिमसेल्फ़ एंड टुवर्ड्स द सोसाइटी वो उसका फ्यूचर बिहेवियर वो ठीक किया जाए उसको रिफ़ॉर्म किया जाए उसको चेंज किया जाए अब ये जो रिहैबिलिटेशन की थ्योरी है ये रिफ़ॉर्मेटिव थ्योरी है इसमें क्या है कि पनिशमेंट ऐसी ऐसी दी जाती हैं जिसमें कि उस पर्सन को इस काबिल बनाया जाता है कि फ्यूचर क्राइम वो अपनी मर्जी से ना कमिट करे और उसमें एक पॉजिटिव बिहेवियर जो है वो पैदा हो अब इसमें रिहैबिलिटेशन में क्या आ जाता है कि एजुकेशन आ जाती है वोकेशनल प्रोग्राम्स आ जाते हैं काउंसलिंग आ जाती है इंटरवेंशन आ जाता है दूसरे प्रोग्राम्स जो होते हैं स्किल ट्रेनिंग के वो इसमें आ जाते हैं अब इसमें जो ऑफेंडर होता है उसको रिफॉर्म किया जाता है रिशेप किया जाता है उसकी माइंड बिल्डिंग की जाती है सो so ये जो बिहेवियर उसका चेंज किया जाता है ये जो पनिशमेंट की थ्योरी है ये एक इस ये कहती है कि जब कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो ये उसकी रैशनल चॉइस नहीं होती बल्कि कोई सोसाइटी का प्रेशर होता है या साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट होता है या कोई ऐसी सिचुएशन पाए हो जाती है जिसमें वो पर्सन मजबूर हो जाता है वो क्राइम कमिट करने का अब ये रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है ये यूजुअली जुवेन ऑफेंडर्स जो हैं हमारी कंट्री में हम देखते हैं कि जुवेन ऑफेंडर्स जो हैं उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाता है कि ये बदला लेना जो रिवेंज की थ्योरी होती है ये वो है इसमें वो कहते हैं कि फ्यूचर क्राइम जो है वो प्रिवेंट किया जाए बाय एलिमिनेटिंग द डिज़ायर ऑफ पर्सनल वेंजियंस अब इसमें क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो अगर उसको प्रॉपर पनिशमेंट नहीं दी जाती उसके अकॉर्डिंग जितनी सवियर उसने क्राइम किया है उतनी सवियर पनिशमेंट नहीं दी गई या उसे पनिशमेंट नहीं दी गई वो छूट गया किसी वजह से तो दूसरे पर्सन जो है उनमें रिवेंज की एक वो डिज़ायर पैदा हो जाती है तो उससे क्राइम जो है वो बढ़ता है सोसाइटी में अब इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो भी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो उसको उस रॉन्गफुल एक्ट के तहत ही पनिशमेंट दी जाती है जितना स्वेयर क्राइम करेगा उतनी स्वेयर पनिशमेंट दी जाएगी अब इसकी एग्ज़ाम्पल में हम आ जाते हैं कि एन आई फॉर एन आई ये इसकी एग्जाम्पल है इससे अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि वो ये थ्योरी कहती है कि जितने भी हैं जिन्होंने रॉन्ग डूइंग की है या क्राइम कमिट किया है उन सबको वो डिज़र्व करते हैं कि उन्हें पनिशमेंट दी जाए फिर आगे वो कहता है कि ओनली कन्विक्टड जो हैं उन्हें ही पनिशमेंट दी जाए उनकी सजा किसी और को ना दी जाए फिर आगे कहता है कि जितना स्वेयर वो क्राइम कमिट करता है जितनी स्वेयर क्राइम की ग्रेविटी होती है ग्रेविटी ऑफ क्राइम को देखा जाएगा उतनी स्वेयर उस बंदे को पनिशमेंट दी जाएगी अब रेट्रीबेशन थ्योरिस्ट जो हैं ये क्लेम करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं ये रैशनल बीइंग हैं जब भी ये कोई डिसीजन करते हैं या कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो ये सोचे समझे प्रोग्राम के तहत प्री प्लानिंग के तहत ये क्राइम कमिट करते हैं इसलिए उनको सज़ा भी उसके अकॉर्डिंग दी जानी चाहिए वो कहते हैं कि अगर हम उस पर्सन को जितना उसने क्राइम कमिट किया है उतना उसे लॉफुल तरीके से स्टेट उस पर्सन को पनिश कर दे तो फिर हर पर्सन अपना बदला लेने खुद नहीं चाहेगा तो इससे ये फ़ायदा होगा एक सोसाइटी जो है वो पर्सन जो है वो क्राइम कमिट नहीं करेंगे फ्यूचर क्राइम जो है वो प्रिवेंट होगा दूसरा सेटिस्फैक्शन होगी जो विक्टम्स हैं उनको कि हाँ हमें इतनी तकलीफ़ पहुंची है तो उस बंदे को भी उतनी तकलीफ़ पहुंची है नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्टिट्यूशन अब रेस्टिट्यूशन क्या है ये ऐसी पनिशमेंट है जिसमें फाइनेंशियल पनिशमेंट होती है जब भी कोई ऑफेंडर जो है डिफेंडेंट जो है वो कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको फाइनेंशियल पनिशमेंट दी जाती है इसमें क्या होता है कि जो कोर्ट है वो आर्बिट्रेरी अथॉरिटी जो है वो काम करती है वो उनके मसालती तौर पे ये काम करके और ये पनिशमेंट जो है वो जो, जो जो दोनों पार्टियों को सुनने के बाद वो पनिशमेंट इम्पोज करती है अब ये पनिशमेंट दी जाती है जब भी कोई ऑफेंस होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी पीपल या प्रॉपर्टी जो है उसके अगेंस्ट होता है नेपोटिज़म है फ्रॉड है या इस तरह का कोई क्राइम कमिट होता है तो फिर रेस्टिट्यूशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाती है बाई गिविंग फाइनेंशियल पनिशमेंट टू द डिफेंडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस अब मिटिगेटिंग सरकमस्टांसिस को जब हम देखते हैं ये ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी क्रिमिनल एक्ट की स्वेरिटी और कल्पेबिलिटी जो होती है उसको कम कर देते हैं अब ये जो है ये इसको हम जब भी मिटिगेटिंग सरकम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिफेंडेंट की एज क्या है जो एक्यूज पर्सन है या कन्विक्ट पर्सन है उसकी एज क्या है एक्सट्रीम मेंटल लेवल क्या है वो और उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंस देखते हैं एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम कौन सी सर्कमस्टांसिस में उसने क्राइम कमिट किया और मेंटल रिटार्डेशन देखी जाती है लैक ऑफ प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो देखा जाता है अब मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस में क्या हाँ जाता है कि देखा जाता है कि क्या ये उसका पहला ऑफेंस है या उसने पहले भी कोई ऑफेंस कमिट किया है अगर पहला ऑफेंस है सो दिस इज मिटिगेटिंग सरकमस्टांस सडन प्रोवोकेशन आ जाती है फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आ जाता है इसमें अपोलॉजी आ जाती है फिर कंसेंट ऑफ वमन इन सेक्शुअल ऑफेंस वो आ जाता है फिर हमारे पास आ जाता है कि वन नो मोटिव इज फाउंड इन मर्डर फिर आ जाता है कि पेंडेंसी ऑफ केस फॉर लॉन्ग टाइम ओल्ड एज आ जाता है यूथ आ जाता है और या फिर कोई एक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अदर पर्सन सो दीज आर मिटिगेटिंग सरकमस्टांसेज नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इफ़ेक्टिवनेस क्या है पनिशमेंट का ज़ाहरी बात है जब पनिशमेंट दे रहे हैं तो हमारे माइंड में होता है कि पनिशमेंट देंगे इसका इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पे तो वो भी देखना होता है अब इसमें पनिशमेंट देते हुए इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पनिशमेंट क्या है उसकी टाइम क्या है कितने टाइम में वो दिया गया है फिर पॉजिटिव री क्या है फिर पॉजिटिव और गुड बिहेवियर क्या है सो दीज आर द इफेक्टिवनेस ऑफ पनिशमेंट हाउ इसके हम नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं जो कि पनिशमेंट के सामने आते हैं पॉजिटिव इफेक्ट के साथ उसमें क्या होता है कि जिन पर्सन को पनिश किया गया हो तो वो उनमें एग्रेसिवनेस पैदा हो जाती है या वो अपने आप को क्रिमिनल बोलना शुरू हो जाते हैं या माइनर क्राइम्स की पनिशमेंट दी गई हो या किसी को रॉन्गली पनिशमेंट किया गया हो तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट भी इसके आते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉबैक्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस अब ड्रा में क्या है कि जब भी कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है और उसे उसकी पनिशमेंट दी जाती है कोई फर्स्ट टाइम क्राइम कमिट करता है तो कह ले तो उसमें क्या है कि वो अपने आप को मेंटली सबकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर लेता है सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से कि मैं जो हूँ मैं क्रिमिनल हूँ वो एक अपने आप को टाइटल दे देता है अपनी सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है कि मैं क्रिमिनल हूँ मैंने क्राइम कमिट किया है मैं कन्विक्टिड पर्सन हूँ फिर क्या है आगे वो कहते हैं कि लर्निंग क्रिमिनलिटी है इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है उसने कोई माइनर ऑफेंस कमिट किया है या माइनर ऑफेंडर है तो उसको प्रिजन में भेजेंगे वहाँ पे कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो माइनर ऑफेंड करके आए हैं लेकिन वो बार बार करते हैं तो वो उनसे जाकर आ, आ, उनकी कर उनकी कंपनी में रहकर जितने दिन उसको पनिश किया गया इम्प्रिजन किया गया तो उनकी कंपनी में रहकर वो सीखता है आगे कि क्राइम कैसे कमिट करना है और किस तरह बेस्ट तरीके से क्राइम कमिट करना है और उसके नए नए मेथड सीखता है सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ पनिशमेंट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रिमिनल नेटवर्क अब कोई भी पर्सन है जब आप उसको पनिश करते हैं कोई क्राइम कमिट करता है तो वो आगे जाके और दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ लिंक बना लेता है एक साइकोलॉजिकल लिंक को एक एस्पेक्ट होता है वो उसकी वजह से कर लेता है या फिर वो क्रिमिनल जो गैंग्स होती हैं वो उनको ज्वाइन करना शुरू कर देता है या उनका हेल्पर बन जाता है उन्हें वेपन्स प्रोवाइड करता है अकम्पलेंस होता है या उन्हें किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है सो दिस इज़ आल्सो अ ड्रा बैक कि क्रीमिनल नेटवर्क जो है वो बिल्ड हो जाता है आगे हमारे पास इसका ड्रॉबैक है सेंस ऑफ इनजस्टिस किसी भी पर्सन को आप रॉन्गली कन्विक्ट कर दें किसी तो उसमें एक सेंस ऑफ इनजस्टिस पैदा हो जाती है सिस्टम के ख़िलाफ़ वो चलना शुरू हो जाता है उसमें हिट्रिट पैदा हो जाती है कि उसे इंसाफ नहीं मिला या किसी uh, को, कोई विक्टम है उसे इंसाफ नहीं मिलता और जो क्रिमिनल है वो बरी हो जाता है तो इसमें विक्टम में भी वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है अगेंस्ट द सिस्टम वो पैदा होना शुरू हो जाती है इसमें क्या है कि ये पर्सन जो है खुद जाके रिवेंज लेने शुरू कर देते हैं या पनिशमेंट खुद देने का सोचने लग जाती है सो दिस इज़ आल्सो अ ड्रा बैक ऑफ पनिशमेंट So uh, this is end of my video please subscribe my channel thank you so much allah hafiz